हेलो कक्षा 12 के सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बच्चों काफ़ी दिन के बाद, कई दिन के बाद हम अपना वीडियो लेकर के फिर हाजिर हुए हैं, क्योंकि कोर्स अब बहुत कम बचा हुआ है। ग्रामर का भी जो कोर्स है वो बहुत थोड़ा सा ही है, और इसीलिए हम थोड़ा आराम से चल रहे हैं। जितना जो पढ़ाया है आप लोग उसी का रिवीजन करिए, उसी को पढ़िए, तैयारी करिए। बहुत ज़्यादा आप लोगों को बोझ लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पद्य में केवल अब दो चैप्टर बचा हुआ है, एक महादेवी वर्मा और एक ही सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय जी का। बस उसके बाद आपका पद्य का भी कोर्स समाप्त हो जाएगा, और गद्य है वो आप लोग खुद पढ़िएगा, और जब कॉलेज खुलेगा तब हम थोड़ा सा जो है आपको तैयारी करवा देंगे। तो इसीलिए, और व्याकरण में भी हमने संधि पढ़ा दी है आपको, और विभक्ति पढ़ा दी है जो कि साहित्यिक और सामान्य दोनों में आनी है। अब इसके बाद जो है हम पहले तो सामान्य हिंदी के बच्चों को आज ये भी बता देते हैं कि आप लोगों का जो ग्रामर पोर्शन है, उस ग्रामर पोर्शन में जो आपका आने वाला चीज़ है, एक तो आपका विभक्ति आएगा, संधि आएगा, विभक्ति में एक चीज़ और आएगी, शब्द रूप और धातु रूप। शब्द रूप जो है वो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं, जो राजन है, आत्मन है, सरित है, राजन आत्मन सरित नामन, ये चार हैं जो आपको इनका शब्द रूप रटना पड़ेगा। ये बेटा आपके संस्कृत की किताब के पीछे ये रूप दिए होंगे, तो राजन नामन आत्मन सरित, ये चार आपको शब्द रूप याद करने पड़ेंगे। और सर्वनाम शब्द भी होता है, तो सर्वनाम शब्द में सर्व है, इसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीन होता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। यद है, इसका भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग है, और इदम का भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, इसमें तीन तीन है। तो ये आपको रटना है बेटा, तो आप लोग इसको अभी से रट लीजिएगा। एक चीज़ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप संस्कृत में जो रूप रटते हैं, शब्द रूप या धातु रूप, तो रटने के बाद आप इनको अपनी कॉपी पर लिखिए, और लिखने के बाद आप इसे फिर से किताब से मिलाइए, क्योंकि हलंत विसर्ग वगैरह का आप लोग ध्यान नहीं देते हो, और नंबर देते समय एग्जामिनर इन सब चीज़ों को भी काउंट करता है। अगर आपने हलंत नहीं लगाया है, विसर्ग नहीं लगाया है, या गलती से लगा दिया है, तो उसका नंबर कट जाएगा। या कभी कभी ऑप्शन में इतने सूक्ष्म अंतर रहते हैं कि शब्द एक ही रहेगा, एक पर हलंत लगा है और दूसरे में नहीं लगा है, तो आपके लिए ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा सही है। वो वही कर पाएगा जिसने कि अच्छे से रटा है और रट के लिखा हुआ है। तो आप लोग अभी से ही, काफ़ी समय है, अभी अक्टूबर तो शुरू हुआ है, पूरा अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, 5 महीना आपके पास है, तो आप लोग अभी से इसको रटना शुरू कर दीजिए, और लिख लिख करके, रट रट करके उसको लिखते जाइए, और जहाँ अपनी कमियाँ हो उसे सुधारिए। क्योंकि रटना आपको है, जब कॉलेज खुलेगा तो हम भी आपको लिखवाएंगे, और लिखवा करके ही गलतियाँ उसमें से पकड़ेंगे। इसमें से इस तरह से दो प्रश्न आते हैं, एक शब्द रूप से दो और धातु रूप से दो, चार प्रश्न आते हैं। एक इस तरह से आएगा कि जैसे नामन शब्द का चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन क्या होगा, ये चार ऑप्शन रहेंगे, उस चार में से आपको टिक करना रहेगा। एक इस तरह से रहेगा, एक रहेगा कि आपको दे दिया जाएगा जैसे आत्मा नाम, ये आत्मन शब्द का किस विभक्ति का रूप है,
तो आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे, आपको उस चार में से जो सही होगा वो टिक करना पड़ेगा। तो भाई जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक तो आप टिक कर पाओगे नहीं, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो ये तो शब्द रूप, इसी तरह से धातु रूप। धातु रूप से भी दो प्रश्न आते हैं। अब रटने का एक तरीका होता है बेटा, आप लोगों को हम ये बता दें कि रटने का तरीका होता है, आप रटोगे एक और उसी आधार पर आपको सब आ जाएगा। तो जैसे शब्द रूप है, हमने सर्वनाम वाला शब्द लिया है, तो सर्वनाम शब्द में जैसे मान लीजिए हमने सर्व शब्द लिया, तो सर्व शब्द में तीन होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। इसका हमने तीनों अच्छे से रट लिया, तीनों रूप को अच्छे से रट लिया, लिख लिया, प्रैक्टिस कर ली। अब जब यद वाला हम शब्द रूप लेंगे सर्वनाम शब्द का, तो उसका भी स्त्रीलिंग का रूप जैसे आपने सर्व का रटा है उसी तरह से होगा, केवल शब्दों का अंतर रहेगा, बस इतना अंतर रहेगा, बिल्कुल सेम वही रहता है। जैसे सहतौ ते, तम तौ, तान, तेन ताभ्याम, तई, तस्मै ताभ्याम, तेभ्य, तस्मिन, ये होता है सहतौ ते। अब इसी तरह से अगर हमको कह करना है तो कह कौ के, कम कौ कानि, केन काभ्याम कै, ये तो सिर्फ जो है वहां पर शब्द अलग हुए हैं और सब कुछ वही है, उसी से बिल्कुल मिलता हुआ रहता है। तो अगर आप एक रट लोगे तो दूसरे को उसी आधार पर लिख सकते हो, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रटने का एक तरीका होता है जो कि आप लोग समझ नहीं पाते हो और सब रटने बैठ जाते हो और आपको जो है लिखने में दिक्कत होती है, तो आप लोग बोलते हो कि मैम कैसे रटें, इतना ढेर सारा रटा नहीं जाता है। तो ये एक तरीका होता है रटने का। भाई हम लोग तो अपने समय में इसी तरह से रटते थे, तो हम लोगों को तो बहुत जल्दी रट जाता था। अभी हम किताब लेकर के नहीं बैठे हुए हैं, हम आपको जो है एक किताब से देख करके, एक सेकंड ना, सुन लीजिएगा, वो मोटी वाली किताब में एक संस्कृत की किताब रखी है, खोले। तो रटने का बहुत सिंपल सा तरीका है, तो उसे आप अगर थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें तो उससे जो है आप रट सकते हैं। एक ही रटेंगे लेकिन उसके आधार पर आप पूरा अच्छे से रट पाएंगे। जैसे देखिए हमने ये किताब ली है, संस्कृत की ही किताब ली हुई है। अब इसमें देखिए सर्वनाम शब्द है, सर्व शब्द का है सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वं सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वे, ये सर्व शब्द का पुल्लिंग था। सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वः सर्वौ सर्वे। अब इसी तरह से अगर आप दूसरा लेंगे, जैसे यद लेंगे, यद तो यह यौ ये, यम यौ यानि, येन याभ्याम ये, यस्मै याभ्याम ये भ्य, तो काफी कुछ जो है मिलता है। तो आप दोनों को सर्वः सर्वौ सर्वे, यह यौ ये दोनों एकदम मिल रहा है। तो इस तरह से आप मात्रा पाई, विसर्ग, हलंत सब अगर ध्यान से देखोगे तो जो एक में है वही दूसरे में आएगा। उसी तरह से इदम है, अयम इमौ इमे, यह यौ ये है तो अयम इमौ इमे, इमम इमौ इमान, यद में होता है यम यौ यान, और अयम इदम में हो गया इमम इमौ इमान, बिल्कुल मिलता जुलता है। थोड़ा सा आप अगर ध्यान दे करके रटोगे तो एक रट लोगे
तो उसी आधार पर आप सब लिख लोगे। तो इसीलिए कहते हैं कि किताब खोल करके अच्छे से देखिए कि आप कैसे रट सकते हैं उसको। आप लोग बस किताब खोलते हो, सब रटना है, मैं बहुत कठिन है, तो कठिन कुछ भी नहीं है। संस्कृत रटने का एक तरीका होता है बस। तो आप एक रटो और उसी के आधार पर दूसरा लिखो। लिखोगे तो लिखने के बाद जो है आप खुद ही देखोगे कि कितना इजी लग रहा है। बच्चे कहते हैं मैम इसमें तीन है, इसमें कितना रटेंगे बेटा। सब रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बस ये टेक्निक होती है। जैसे हमने अभी आपको बताया स तौ ते तम तौ तान, तो उसी तरह से ये भी है यह यौ ये यम यौ यान येन याभ्याम यही यस्मय याभ्याम येभ्य, सेम उसी तरह से चल रहा है। तो आप आसानी से उसे याद कर सकते हो। तो ये आपका शब्द रूप हमने बताया। अब धातु रूप भी आप लोग पढ़ लीजिए। सब शब्द रूप हमने आपको संज्ञा शब्द बताया, साहित्यिक और सामान्य दोनों बच्चे ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों को जो शब्द रूप याद करना है वो आत्मन नामन सरित जगत, ये चार आपको रटने हैं। सर्वनाम शब्द में सर्व का पुरलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, यद का पुरलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग और इदम का पुरलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, इतना आप रट लोगे तो आपका अच्छे से याद हो जाए, फंस जाएगा। और नहीं तो किताब में और है, अगर आप, हमने बताया तरीका वही एक है, अगर आप एक रट लोगे तो सब आसानी से लिख सकते हो। तो ये है। और इसके अलावा धातु रूप है। धातु रूप में आपको स्था धातु है, फिर है पा धातु है, उसके बाद गम धातु है, पठ धातु है। गम और पठ तो आप कक्षा छः से रटते हो। तो स्था धातु पा धातु हो गया आपका मेन, एक भू धातु और एक क्री धातु, चार धातु है। इसमें भी रटने का तरीका वही है। आप पांच लकार होते हैं, हर लकार में एक जैसा चलता है, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप होते हैं। जैसे स्था धातु का जो ये आपका भविष्य काल है वो थोड़ा सा अलग होता है, उसका चलता है स्थास्यति स्थास्यतः स्थास्यन्ति स्थास्यसि स्थास्यतः स्थास्यत स्थास्यामि स्थास्यावः स्थास्यावः। तो कुछ ये अलग है। जैसे पठ धातु में चलता है पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। गम धातु में चलता है गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यसि गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। उसी तरह से क्री धातु का जो लिट लकार है करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति करिष्यसि करिष्यतः करिष्यत करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः। देखिए सब एक ही तरह था, एक रट लोगे तो सब आ जाएगा। केवल कुछ है अपवाद स्वरूप जिसे स्था धातु का था बस, अगर वो भी समझोगे तो वो भी उसी तरह से है। तो लकार किसी एक धातु का पांचों लकार खूब अच्छे से आप देख लीजिए और उसी आधार पर आप सारे कुछ हैं अपवाद। क्री धातु थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्री धातु में थोड़ा सा अलग रहता है तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो गम पठ पा धातु स्था धातु ये सारे एक जैसे हैं। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके टेक्निकल तरीके से याद करोगे तो अच्छे से रट जाएगा। आपको जो है बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और पूरा रट भी जाएगा। जो हम थोड़ी बहुत छोड़ने की बात कर रहे हैं, भाई अभी तो आप छोड़ दोगे इंटर में, मान लीजिए आपका कोर्स कम हुआ है, लेकिन आगे जब आप कंपटीशन में जाओगे तो वहाँ छोड़ने का ऑप्शन नहीं होता है, वहाँ तो भी इसमें और ऐड होंगे, तब आप क्या कहोगे। और इंटर आपका वो सेक्शन होता है जहाँ से आपके आगे के भविष्य का रास्ता प्रारंभ होता है। तो यहाँ तो हम यही कहेंगे कि जितना आपके बुक में रट लीजिए अगर आपको आगे के लिए तैयारी करनी है तो, और नहीं करनी है बेटा तो कोई बात ही नहीं है। तो लेकिन जो भी तैयारी करो, चाहे इंटर में रहो चाहे जहाँ रहो, एक सिस्टमैटिक वे से पढ़ाई होती है,
कि हम मेहनत भी कम करें और मेरी सारी तैयारी भी हो जाए। तो वो तरीका हमने आज आपको बताया। तो इस तरह से आपका जो है ये शब्द रूप और धातु रूप हमने आपको बताया, ये आपको रटना है, ये साहित्यिक वाले भी और सामान्य वाले भी। इसके अलावा सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए जो ग्रामर पोर्शन है उसमें आता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। आपके पास बुक्स होंगी, सब कुछ होगा, अब तो क्वेश्चन बैंक भी शायद मिलने लगी हो, तो क्वेश्चन बैंक अगर मिल रही हो तो आप लोग ले लीजिए। और मुहावरे और लोकोक्तियाँ अर्थ लिखिए और उसका वाक्य में प्रयोग, वाक्य का प्रयोग का एक स्टैंडर्ड रूप होना चाहिए। बच्चों की तरह जो है अभी भी बहुत से लोग वाक्य में प्रयोग लिखते हैं जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। आप साहित्यिक और सामान्य हिंदी इंटर की पढ़ रहे हो तो उसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए, उसमें बचपना नहीं झलकना चाहिए। और एक चीज़ और बता दें, मुहावरे और लोकोक्तियों में जो वाक्य का हम प्रयोग करते हैं तो अर्थ का यूज़ नहीं, अर्थ का भाव होता है लेकिन अर्थ का यूज़ नहीं करते हैं वाक्य में। वाक्य में हम मुहावरे या लोकोक्तियों का ही प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बच्चे गलती करते हैं कि वो वाक्य तो बनाते हैं लेकिन वाक्य में अर्थ का प्रयोग, आँखों का तारा, बहुत प्रिय होना। अब आप जब इसका वाक्य का प्रयोग करोगे तो आपका वाक्य इस तरह से होगा कि मेरे बच्चे मेरे आँखों के तारे हैं, मुहावरे का प्रयोग हुआ, मेरे बच्चे मेरे बहुत प्रिय नहीं हैं, और अर्थ का प्रयोग नहीं करेंगे, मुहावरे और लोकोक्तियों का ही हम प्रयोग करेंगे। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ आप लोग अभी से रटना शुरू करिए, बहुत समय है, धीरे धीरे जितना आपके पास बुक है उसमें रट डालिए, क्वेश्चन बैंक है उसमें रट डालिए, क्योंकि इसकी कोई बेटा निश्चित सीमा नहीं होती है। हम आपको अंधेरे में नहीं रख सकते, इसमें हम आपको कोई इम्पॉर्टेंट नहीं बता सकते हैं। हाँ, बहुत कठिन नहीं आता, बहुत सरल भी नहीं आता है, क्योंकि आपके दिमाग के लेवल के अनुसार ही क्वेश्चन आता है। इसमें भी आपका चार ऑप्शन रहेगा, चार ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन टिक करना होगा। पहले अर्थ लिखने को आता था लेकिन अब जो पेपर का पैटर्न बदला है तो उसमें जो है अब ऑप्शन देने लगे हैं, तो वो रहता है, तो इस तरह से वो भी नहीं, तो आपको ये करना होगा। मुहावरे और लोकोक्तियाँ ये सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए है और ये साहित्यिक हिंदी के बच्चों के लिए नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हम इसीलिए बार बार बता रहे हैं। अभी साहित्यिक हिंदी के बच्चों का जो ग्रामर पोर्शन है वो सब लिखित में है, वो हम आपको वीडियो बना बना करके भेजते रहेंगे, बिल्कुल परेशानी, जितनी चीज़ हम भेज रहे हैं खूब आराम से उसको आप पढ़िए, देखिए और समझिए। ये चिंता मत करिए मेरी तरफ से कि मैम अभी नहीं आया, नहीं आया तो कोई कारण है, हम इसीलिए नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, खूब आराम से लगाइए। कोर्स इतना ज़्यादा नहीं है कि आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है, इसीलिए तो हमने कोर्स आपका ख़त्म कर दिया। अगर हम इतना ही पढ़ाएंगे तो भी आप जो है अच्छे से पास हो जाएंगे, लेकिन कोर्स हमें ख़त्म करना है, दो ही चैप्टर बचा हुआ है, ये दोनों चैप्टर छोटे छोटे हैं, आसानी से ख़त्म हो जाएंगे। तो साहित्यिक हिंदी के बच्चों को अभी ग्रामर के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके लिए हम वीडियो बना करके डालेंगे। सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए अब कोई ग्रामर का वीडियो नहीं जाएगा, क्योंकि अब आप लोगों का जो भी ग्रामर पोर्शन है वो रटने वाला है बेटा। तो अगर आप कुछ चाहते हैं तो हम PDF बना करके भेज देंगे हर चीज़ का, लेकिन वो आपको सिर्फ रटना ही रटना है। तो अभी एक आया मुहावरे और लोकोक्तियाँ, फिर आता है आपका अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द मतलब एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो आपको तीन या चार शब्द दिए रहेंगे और उसमें से कहा जाएगा किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, तो वो आपको लिखना पड़ेगा, कोई एक शब्द का दो अर्थ आपको लिखना पड़ेगा। जैसे हरि, हरि ईश्वर को भी कहते हैं और हरि विष्णु को भी कहते हैं, तो इस तरह से आपको उसके दो अर्थ, जैसे पर्यायवाची आप लोग देखते हैं कि नहीं, पर्यायवाची बिल्कुल उसी तरह से है।
तो वो आपको लिखना पड़ेगा। तो एक इस तरह से क्वेश्चन आता है। एक आता है समानार्थी शब्द, मतलब दो शब्द बिल्कुल मिलते जुलते रहते हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। दो शब्द बिल्कुल मिलते जुलते हुए रहते हैं लेकिन दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग अलग होता है। जैसे आपका अग 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 मिलता जुलता है एकदम, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। अग माने आगे, अग माने पा। वसन व्यसन, वसन व्यसन, वसन माने वस्त्र और व्यसन माने बुरी आदत। तो इस तरह से इसमें भी आपका ऑप्शन दिया रहेगा, चार ऑप्शन। एक चीज़ इसमें ये ध्यान देनी है कि जैसे जैसे शब्द आया है उसका अर्थ का क्रम भी उसी अनुसार होना चाहिए। जैसे हमने अभी कहा वसन व्यसन, तो आपके चार ऑप्शन में हो सकता है इस तरह भी ऑप्शन दिया हो, बुरी आदत वस्त्र, वस्त्र या बुरी आदत। अब आप कहेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है मैम, ये तो एक ही दोनों का अर्थ है। अंतर है, हमने जो शब्द दिया था वसन और व्यसन, तो पहले वसन का अर्थ आपको लिखना चाहिए था, वसन माने वस्त्र और व्यसन माने बुरी आदत। तो इस तरह से आपको ये भी ध्यान देना कि पहले जो शब्द आया है उसका अर्थ भी पहले होना चाहिए। तो ये आपका समानार्थी शब्द था, ये भी व्याकरण में आपका आता है। तो ये इतनी चीज़ें आपको रटनी पड़ेगी, समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इसके अलावा अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना के लिए हम एक लेक्चर आपको बना करके अलग से डाल देंगे कि किस तरह से, क्योंकि उसमें त्रुटियाँ कई तरीके की होती हैं, लिंग संबंधी भी होती हैं, वचन संबंधी भी होती हैं उसमें। तो मतलब एक अशुद्ध वाक्य रहेगा और उसको आपको शुद्ध बनाना होगा। तो जैसे न्यायाधीश ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी, न्यायाधीश ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी। अब आप कहेंगे तो सही है, तो ये सही नहीं है बेटा। मृत्यु दंड तो वैसे ही एक सजा है, मृत्यु दंड तो एक सजा खुद ही है। तो यहाँ पर एक अर्थ के दो दो शब्द आ रहे हैं, मृत्यु दंड सजा थी फिर सजा दे दिया, तो न्यायाधीश ने उसे मृत्यु दंड दिया, ये सही होगा। साहित्य और समाज का गहरा संबंध है, साहित्य और समाज का गहरा संबंध है। तो यहाँ पर ये जो गहरा शब्द है वो गलत है, साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। कहीं भी कभी कुछ शब्दों का प्रयोग भी किसी विशेष जगह पर किया जाता है, इसे साहित्य और समाज के जो संबंध के लिए घनिष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता है। महादेवी वर्मा प्रख्यात लेखक हैं, अब ये भी गलत है। महादेवी वर्मा, इनका लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है, तो उनके लिए लेखिका आएगा। तो महादेवी वर्मा एक प्रख्यात लेखिका है या कवियत्री हैं, जो भी है इस तरह से। कभी कभी कुछ शब्द हैं जो गलत लिखे होते हैं उनको शुद्ध करना होता है। तो इस तरह से कई प्रकार की त्रुटियां होती हैं जो हम आपको एक वीडियो बना करके डाल देंगे और फिर आप उसको देख करके उसी आधार पर पढ़ाई करिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे भी हम आपको ये वायदा नहीं करते हैं कि हम जितना देंगे उसी में से आपका व्याकरण पोर्शन आएगा, भाई व्याकरण असीमित है। हम आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्रोत दे सकते हैं और क्या बोलते हैं उसको, कलेक्शन दे सकते हैं, रटना आपका काम है अगर नंबर पाना है तो बेटा। तो ये चीज़ें थी आपके ग्रामर की। एक चीज़ और आती है
पत्र लेखन जो कि तीन प्रकार का होता है, तो वो पत्र लेखन हमें बता, हम तो अलग की 11th में ही ये सारी चीज़ें बता देते हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चे हमसे नहीं पढ़े हैं, जो बाहर से देख रहे हैं हमें, हम उनको ये बता देना चाहते हैं कि पत्र लेखन भी आता है आप लोगों में 5 नंबर का। अब वो पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है, आपके पास किताबें हैं, आप अवलोकन कर सकते हैं, नहीं तो हम 3 तरह के पत्र लेखन होते हैं जो कि हम एक दिन आपको वीडियो बना करके डाल देंगे तीनों प्रकार का, तो उसी आधार पर आप उसे लिख सकते हो, उसे रटने की ज़रूरत नहीं। हम देखते हैं अक्सर कर बच्चे पत्र को भी रटते हैं, भाई इतना तो दिमाग आपके पास होना चाहिए, बाप मैं चोर हो चुके हो कि आप इतना तो समझ सकते हो टॉपिक में कि आपसे क्या पूछा जा रहा है और उससे संबंधित हम क्या लिखें, क्योंकि जो भी चीज़ें पूछी जाती सब आपके आसपास भी होती है, आपसे संबंधित होती है, तो अगर आपको एक दे दिया गया तो उसे आप पहले समझ लीजिए और उसी आधार पर आप लोग लिखिए। इसमें गलती क्या करते हैं लोग कि किसको संबोधन देना है यही नहीं पता होता है, क्योंकि आप लोग प्रश्न को ढंग से पढ़ते ही नहीं हैं। प्रश्न में लिखा रहता है कि किसे आपको पत्र लिखना है, तो पहले आप उसे समझिए, हर उस पर आपका नंबर डिवाइड होता है, ऐसा नहीं है कि 5 नंबर है तो आपका खाली पत्र पढ़ करके दे दिया गया, ऐसा नहीं है। सेवा में लिखा उसके बाद कॉमा लगता है, किसको संबोधन देना है, कहाँ का है वो, फिर विषय आता है, आप किस लिए ये पत्र लिख रहे हो, वो विषय नहीं लिखोगे उस पर भी नंबर अलॉट होते हैं, वो लिखा वो उस पर कट जाएगा। विषय लिखने के बाद फिर नीचे आ जाइए महोदया, फिर अपना मैटर लिखिए। अब मैटर 2 लाइन का नहीं होना चाहिए, कोई समस्या है तो उसका समाधान या कोई भी चीज़ है तो थोड़ा सा उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा ना। आप लोग 2 लाइन में, जैसे आप लोग कक्षा 6, 7, 8 में अवकाश के लिए लिखते हो ना, आज मैं बीमार हूँ, कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, बस हो गया आपका लेटर। तो ये कक्षा 6 वाला स्टैंडर्ड नहीं है, नंबर पाने के लिए स्टैंडर्ड को मेंटेन करना पड़ता है, आप जिस स्टैंडर्ड में हो आप उसी के अनुरूप लिखना भी पड़ेगा, तो क्या पूछा जा रहा है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो पत्र 3 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम आपको एक वीडियो बना करके डाल देंगे। तो इतना आपका ग्रामर पोर्शन, और बचा निबंध, तो निबंध तो बेटा आप लोग क्वेश्चन बैंक वगैरह देखोगे, वहाँ जो जो टॉपिक हैं वो आप लोग उसमें से देख लीजिएगा। अभी थोड़ा और समय बीतने दीजिए, हम 5-6 टॉपिक निबंध के दे देंगे, लेकिन एक बार हम फिर कहते हैं कि हम जो टॉपिक देंगे इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि इसी टॉपिक पर ही निबंध आएगा, हम केवल गेस देते हैं, अपने अनुमान लगाते हैं, अनुमान सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम चूँकि 11 से बच्चों को पढ़ाते हैं तो 11 से 12 तक इतने तरीके के निबंध लिखा देते हैं कि उसमें कोई ना कोई एक आ ही जाता है, फंस जाता है, ऐसा रेयर केस कभी हुआ हो जो ना फंसा हो, नहीं तो 11 से 12 तक में जितने निबंध हमने बताए उसमें से अक्सर कर बच्चों का एक आध निबंध फंस जाता है। तो इस तरह से आपका ये जो पेपर का कोर्स था, ग्रामर का पोर्शन था, वो हमने बताया। हाँ एक चीज़ और है, रस छंद और अलंकार दो दो नंबर का आता है, 2 नंबर का रस, 2 नंबर का छंद, 2 नंबर का अलंकार आता है। अब इसमें क्या होता है कि रस तो मेरे ख्याल से शायद सारे हैं आप लोगों में, और अलंकार भी एक सेकंड हमको देखना पड़ेगा, सामान्य वालों का जो कि साहित्यिक सामान्य दोनों पढ़ाते हैं तो अक्सर कर हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है बताने में। साहित्यिक वालों का तो सब रस है, सब छंद है और सब अलंकार है, और जो सामान्य हिंदी के बच्चों का है वो थोड़ा सा कम है, और वो हम आपको बता दे रहे हैं, आप लोग जो है देख लीजिएगा, और नहीं तो एक आध दिन हम आपको उसका भी वीडियो बना करके डाल देंगे कि कौन रस
हाँ, जो सामान्य हिंदी वाले बच्चे हैं उनको जो रस पढ़ना है वो है श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस। ये चारों तो आप लोग हाई स्कूल तक पढ़े ही होते हो। एक है शांत रस। तो कुल पांच रस आपके हैं, श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस और शांत रस। ये पांच रस हैं। तो श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण तो कक्षा 10 तक आपने पढ़ा था। शांत रस जो है उसकी परिभाषा होती है तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति अर्थात ज्ञान प्राप्त होना, या जब संसार से विरक्ति उत्पन्न हो जाए, माया मोह से मन खींच हट जाए, सांसारिकता से मन हट जाए, तब वहाँ पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ न दुख हो, न सुख हो, न राग हो, न द्वेष हो, न कोई इच्छा हो, ऐसी मनः स्थिति में उत्पन्न रस को हम शांत रस कहते हैं। और सांसारिक मोह माया हटने का तात्पर्य है जब ज्ञान मिल जाता है तो न हमें सुख पता चले न दुख, अर्थात सुख और दुख में हम समान रहते हैं। राग द्वेष हम जानते ही नहीं हैं, मन में कोई इच्छा ही नहीं होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो रस उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं शांत रस। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है, आलंबन विभाव होता है परमात्मा का चिंतन, यानी कि इस स्थिति में मनुष्य परमात्मा का चिंतन और करता है और वो ये समझ जाता है कि ये संसार नश्वर है। उद्दीपन विद्भाव यानी कि वो क्या क्या चीज़ें करता है, सत्संग, तीर्थ स्थल की यात्रा, शास्त्रों का अध्ययन। जो आलंबन विभाव है उसमें वो परमात्मा के बारे में सोचता है और संसार को नश्वर समझता है, और उसके जो क्रियाकलाप हैं उद्दीपन विभाव में यानी सत्संग करता है, तीर्थ स्थलों की यात्रा करता है और शास्त्रों का अध्ययन करता है। अनुभव पूरे शरीर में रोमांच, प्रसन्नता, आंसू आदि, ये उसका अनुभव है। संचारी भाव या तो हर्ष, स्मृति, मति, विबोध, निर्वेद आदि। तो जैसे कि आपका तुलसीदास जी का आपने एक चैप्टर पढ़ा था उसमें, कबहु कहौं यही रहिने रहौं गौ, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत सुभाव गहोंगे। अब यहाँ पर तुलसीदास जी ने श्री रघुनाथ की कृपा से संत स्वभाव ग्रहण करने की कामना की है। तो संसार से पूर्ण विरक्ति और निर्वेद स्थायी भाव है। राम की भक्ति आलंबन है। राम की भक्ति परमात्मा का चिंतन यानी राम की भक्ति आलंबन है। साधु संपर्क एवं श्री रघुनाथ की कृपा उद्दीपन है। धैर्य, संतोष, अचिंता अनुभाव है। और निर्वेद, हर्ष, स्मृति आदि संचारी भाव है। तो इस प्रकार इन सभी चीज़ों से मिल करके शांत रस पूर्ण हो जाता है। तो ये शांत रस था। एक दिन हम रस का भी पूरा आपको एक लेक्चर बना के देंगे। तो आज हमने बेटा आप लोगों को सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए जो ग्रामर पोर्शन था वो हमने आपको पूरा बता दिया है। बचा साहित्यिक हिंदी का, समास है, प्रत्यय है और संधि का अभी दो पार्ट और आएगा, वो हम आपको बना करके भेजेंगे। विभक्ति हमने आपको भेज दी है, संधि में स्वर संधि भेज दी है, अब आपको व्यंजन संधि, विसर्ग संधि भेजना है, हमें प्रत्यय भेजना है और समास भेजना है। तो वो भी आपको मिलता जाएगा, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे।
धन्यवाद।